हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का लव इन फायर एंड ब्लड का पार्ट शुरू करने से पहले मैं उस नोवेल का नाम बता देती हूँ जिसके लिए काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, जिसमें आयु एन वेइंग और वांग जी का ही बेटा था। उस फैन फिक्शन का नाम अनटिल द एंड है एंड दैट फैन फिक्शन इज रिटन बाय ABC। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग रीड कर सकते हैं। ओके, आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था पेट्रॉक वांग जी से उसके रूल्स के बारे में पूछ रहा था। पेट्रॉक उससे कहता है, मैंने सुना है वहाँ इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि आप अपनी बॉडी पे 3 से ज़्यादा ऑर्नामेंट्स भी नहीं पहन सकते। वांग जी कहता है, हाँ, और शायद ये रूल इसलिए था क्योंकि हमारे सेक्ट के फाउंडर जो थे उनका यही मानना था कि हमें ये सब पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए और साधारण ज़िंदगी जीना चाहिए। पेट्रॉक हंसने लगता है और उससे कहता है, ऐसा है क्या? लेकिन तुम जब यहाँ आए थे तब तो तुम काफ़ी अच्छे से ड्रेस्ड थे, तुम्हारे वेडिंग रोब्स बहुत सुंदर थे और तुमने गोल्ड हेड पीस पहना हुआ था। वांग जी कहता है, वो बात अलग है क्योंकि वो वेडिंग डे था और मैं लैंड फैमिली से हूँ। पेट्रॉक हंसते हुए उससे कहता है, हस्बैंड, बुरा मत मानना, लेकिन क्या ये गलत नहीं है? ये तो भेदभाव हुआ ना। वांग जी बुरा नहीं मानता बल्कि उससे कह देता है हाँ। तो पेट्रॉक हंसने लगता है और उससे कहता है, तुमने इतना ऑनेस्टली आंसर दिया। वांग जी कहता है, ये एक फेयर जजमेंट है, मेरे सेक्ट में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो रूल्स को उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, ये गलत है। पेट्रॉक कहता है, वैसे हम सब ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर तो गलत होते ही है ना, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। अब पेट्रॉक कुछ समय बाद उससे कहता है, इस तरीके के सीरियस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे, आज हॉलीडे है तो हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही वो सब लोग पहाड़ी के नीचे पहुंचते हैं, पेट्रॉक वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम यहीं रुको। वो मनी पाउच निकाल कर विंचिंग के हाथ में देता है और उससे कहता है कि इन सब बच्चों के लिए इतने टॉयज और इतने कैंडीज खरीदना कि ये तब तक खाए जब तक इन्हें वॉमिटिंग ना हो जाए। वेचिंग मुंह बनाते हुए कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। वो उन सब बच्चों को फेयरवेल विश करता है और उनसे कहता है, अच्छे से बिहेव करना और कुछ भी ऐसा मत करना जो मैं नहीं करता। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो पेट्रॉक देखता है कि वांग जी सिर्फ उसकी तरफ सस्पिशियस नजरों से देखे जा रहा था। तो पेट्रॉक उससे कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ मेरा हस्बैंड मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है? तो वांग जी उससे कहता है, तुमने उन सब से कहा कि कुछ भी ऐसा मत करना जो तुम नहीं करते, इसका क्या मतलब है? पेट्रॉक कहता है, अच्छा तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं क्या नहीं करता, तो मुझे अब अच्छे से देखना, तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी के बहुत नज़दीक आ गया था और वो वांग जी और अपने ऊपर एक तालिस्मान लगा देता है। पेट्रॉक कहता है, इस तालिस्मान की मदद से हमें कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा लेकिन आसपास वाले लोग हमें पहचान नहीं पाएंगे। और सच में ऐसा ही होता है, वो दोनों यीलिंग के मार्केट में घूमने लगते हैं लेकिन कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाता। थोड़ा आगे जाने के बाद पेट्रॉक वांग जी से कहता है, तुम्हारे रूल्स में गैम्बलिंग भी अलाउड नहीं है ना? वांग जी कहता है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पेट्रॉक कहता है, लेकिन अगर उससे तुम्हें थोड़ा सा फ़ायदा हो तो वो तो चल सकता है ना? वांग जी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता तो पेट्रॉक अपने पास से एक कॉइन निकालकर उसके हाथ में रख देता है और उससे कहता है, तुम इससे दाव खेल सकते हो, अगर तुम हार भी जाओगे तो तुम्हारे खुद के पैसों का नुकसान नहीं होगा। वांग जी कहता है, एक छोटी सी गलती लाइफ में बहुत बड़े बड़े फेलियर्स लेकर आती है, ये लैन एल्डर की कही हुई एक कहावत है। तो पेट्रॉक उससे कहता है, एक छोटे से सिल्वर कॉइन से दाव खेलने पर कोई नुकसान नहीं होता, ये हीलिंग पेट्रॉक की कही हुई कहावत है। पेट्रॉक के फेस पर स्माइल देखकर वांग जी रिफ्यूज नहीं कर पाता। वो कॉइन हाथ में लेकर सोचने लगता है, मैं बस एक बार करूंगा, सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसकी स्माइल के लिए। वांग जी दांव खेलता है तो वो एक इनाम जीत जाता है। पेट्रॉक हंसते हुए उससे कहता है, तुमने देखा, तुमने कोई पैसे वेस्ट नहीं किए बल्कि तुम एक इनाम जीत गए। इनाम में वांग जी ने शुगर की बनी एक मूर्ति जीती थी। वांग जी उस मूर्ति को पेट्रॉक को देते हुए कहता है, ये गलत तरीके से जीता गया इनाम है। पेट्रॉक उससे कहता है, तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम ये मुझे इसलिए दे रहे हो ना क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इतने गलत काम कर चुका हूँ। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो कॉइन तुम्हारा था। पेट्रॉक हंसते हुए उससे कहता है, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ। अब दोनों मार्केट में आगे जाते हैं। अब पेट्रॉक एक वाइन शॉप पर रुक जाता है।
पेट्रा वांग जी से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे सेक्ट में ड्रिंकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन कम से कम तुम अपने हस्बैंड को कंपनी तो दे सकते हो ना। वांग जी कहता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यिंग वाइन शॉप से एक वाइन का जार लेता है और वाइन पीने लगता है। वाइन पीते वक्त पेट्रा उससे कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर दोगे। ऐसा कहकर पेट्रा उसके बहुत क्लोज हो जाता है। वांग जी अचानक नर्वस फील करने लगता है और उससे कहता है, क्या पूछना चाहते हो? तो पेट्रा उससे कहता है, क्या तुमने कभी वाइन पी है? तुम मुझे सच बता सकते हो, मैं इस बात को लेकर तुम्हें जज नहीं करूँगा। मुझे पता है क्लाउड रिसेस में काफ़ी सारे लोगों ने सीक्रेटली वाइन पी होगी। वांग जी एकदम स्ट्रिक्ट फेस बनाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और किसी ने भी वाइन नहीं पी। पेट्रा कहता है, अगर तुमने नहीं पी तो ज़रूरी नहीं लैंड क्लैन में किसी और ने भी ना पी हो। हस्बैंड, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया में अपने जैसे भले इंसानों से मिलने वाले हो तो आगे जाकर तुम्हें बहुत निराशा मिलने वाली है, क्योंकि सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। अब पेट्रा उससे पूछता है, क्या तुम्हारे सेक्ट में टॉयज़ भी अलाउड नहीं है? वांग जी कहता है, ऐसे टॉयज़ जो बहुत ज़्यादा शोर करें वो अलाउड नहीं है। तो पेट्रा कहता है, शोर करने वाले टॉयज़ जैसे कि टॉय ड्रम? तुमने अपना सारा बचपन बिना टॉय ड्रम के निकाल दिया? ये तो बहुत गलत है। मैं लैंड सेक्ट में खत लिखूंगा। उन लोगों को कम से कम टॉयज़ पर तो रोक नहीं लगानी चाहिए। हर किसी बच्चे के पास टॉय ड्रम होना चाहिए जिससे वो अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को परेशान कर सके। पेट्रा की बातों पर वांग जी सीक्रेटली मुस्कुराने लगता है। पेट्रा कहता है, घर जाने के बाद मुझे याद दिला देना कि मुझे लेटर्स भेजने हैं। वांग जी उससे कहता है, हाँ बिल्कुल। पेट्रा कहता है, तुम झूठ कह रहे हो, तुम मुझे याद नहीं दिलाओगे। वांग जी कहता है, झूठ बोलना भी मेरे सेक्ट में मना है। मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। अब पेट्रा की नज़र मार्केट में बच्चों पर पड़ती है जो इधर उधर घूम रहे थे, टॉयज़ खरीद रहे थे, कैंडीज खरीद रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, और उनके पीछे पीछे वेटिंग और वेन चोलिन भाग रहे थे। पेट्रा वांग जी से कहता है, देखना कोई ना कोई तो वेन चोलिन के ऊपर वॉमिटिंग कर देगा। वांग जी हंसने लगता है। अब पेट्रा उसे कहता है, चलो साथ में मिलकर एक लैंटर्न बनाते हैं। दोनों शॉप पर आते हैं और इस बार वांग जी पे करता है। तो पेट्रा हंसते हुए उससे कहने लगता है, मैं तो भूल ही गया कि मैंने किसी कंगाल से शादी नहीं की है। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बहुत मनी भेजी होगी ना? तभी वांग जी को कुछ याद आता है, जब वांग जी क्लाउड रेसेस छोड़कर आ रहा था तो उसकी नीड्स की सारी जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की होनी चाहिए थी, लेकिन लैंड चिचैन और लैंड चिरैन को डर था कि शायद पेट्रियाक उसकी नीड्स पूरी नहीं कर पाएगा और उसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने वांग जी को काफ़ी सारी मनी रख कर भेजी थी और उसे ये भी कहा था कि उसे और ज़रूरत हो तो वो उन्हें लेटर लिख सकता है। लेकिन वांग जी के साथ यहाँ बिल्कुल अलग ही था। पेट्रियाक उसकी सारी नीड्स को पूरा करता था और तो और वो विरियल माउंट्स में रह रहे सारे बच्चों के लिए भी इतनी खरीदारी किया करता था। पेट्रियाक एक ब्रश अपने हाथ में लेता है और लैंटर्न को हाथ में लेकर सोचने लगता है, इस पर हमें क्या लिखना चाहिए? शायद हमें एक विश लिखनी चाहिए। पेट्रियाक लिखता है, काश हमारे रेडिश के सारे प्लॉट्स पोटैटो के प्लॉट्स में बदल जाएं। और पेट्रियाक वांग जी से कहता है, तुम क्या लिखना चाहते हो? वांग जी कहता है, ट्रेडिशनली लैंटर्न के ऊपर सेफ्टी को लेकर एक ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। पेट्रा कहता है, कितना बोरिंग है, कुछ और सोचो, क्यों ना हम कुछ ड्रॉ करें? वांग जी कहता है, मैं ड्राइंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो पेट्रा अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा हस्बैंड एक आर्टिस्ट है, मुझे बताओ तुम क्या ड्रॉ करवाना चाहते हो? वांग जी थोड़ा हेजिटेट करते हुए उससे कहता है, एक रैबिट। पेट्रा कहता है, एक रैबिट? लेकिन रैबिट क्यों? हस्बैंड, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें सीक्रेटली रैबिट्स पसंद हो? वांग जी कोई जवाब नहीं देता तो पेट्रा हंसने लगता है और कहता है, इसका मतलब तुम्हें सच में रैबिट्स पसंद है? कोई बात नहीं, मुझे भी रैबिट्स पसंद है, मुझे रैबिट्स को खाना पसंद है। वांग जी मुंह बनाने लगता है तो पेट्रियाक और भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम्हें चिढ़ाना सच में कितना आसान है। पेट्रियाक लैंटर्न पर रैबिट ड्रॉ करता है। वांग जी को उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है। वांग जी ने सोचा था कि उन दोनों के बीच की यह मैरिज कभी भी एक ट्रू मैरिज नहीं होगी, लेकिन अब उसे एक होप नजर आने लगी थी। उसका हस्बैंड उतना बुरा नहीं था जितना सब लोग कहते थे। उसके साथ शॉप्स पर घूमना, उसके साथ लैंटर्न्स बनाना उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
और उसे उम्मीद थी कि एक दिन उन दोनों के रिश्ते में भी प्यार होगा और दोनों के लिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगी। अब शाम का समय हो गया था, तभी वांगजी और पैट्रियार्क टी स्टॉल पर बैठे कुछ लोगों की बातें सुनते हैं, जिनमें से एक कह रहा था, मैंने सुना है हंगुनजुन ने ईलिंग पैट्रियार्क से शादी कर ली है और वो वहीं रह रहा है। तो एक कहने लगता है, इसका मतलब उन दोनों में सच में शादी हुई है। तभी उनमें से एक और मेल कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, अगर हंगुनजुन एक फीमेल होते तो अब तक उनके कोई ना कोई चाइल्ड भी हो गया होता। ये सुनकर पैट्रियार्क को वाइन पीते पीते ठसका लग जाता है। एक यंग मैन कहता है, मैंने सुना है हंगुनजुन बहुत ब्यूटीफुल हैं, इसीलिए पैट्रियार्क ने उनसे शादी की होगी। पैट्रियार्क को अपने बेड में ब्यूटी चाहिए होगी। ये सुनकर पैट्रियार्क वांगजी से कहता है, इन लोगों के दिमाग कितने वल्गर हैं। लेकिन वांगजी अपने हस्बैंड से नज़र चुराने की कोशिश करता रहता है। पैट्रियार्क और वांगजी थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पैट्रियार्क उससे कहता है, हस्बैंड, अगर तुम कभी भी प्रेग्नेंट होगे तो तुम मुझे ज़रूर बताओगे ना, इस तरीके की बात तुम मुझसे सीक्रेट नहीं रखोगे ना। वांगजी के चीक्स बुरी तरह रेड हो जाते हैं और वो पैट्रियार्क से कहता है, नॉनसेंस। पैट्रियार्क कहता है, इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। वैसे ये अच्छी ही बात है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं। उधर देखो, अब ए बाओ को वॉमिटिंग होने वाली है। वांगजी वेंस की तरफ देखता है तो ये बात सच थी, उन बच्चों में एक लड़की का नाम बाओ था जो काफ़ी बीमार हो गई थी। अब वो सब लोग वापस जा रहे होते हैं तो पैट्रियार्क फिर कुछ लोगों की बातें सुनता है जो उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। एक मैन कह रहा था, पता नहीं वो ऊपर पहाड़ी पर करता क्या है, मैंने सुना है कि सारे पपेट्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन क्या पता उसने पूरी आर्मी खड़ी कर ली हो पपेट्स की, क्या पता उसकी आर्मी वैन रोहान से भी बड़ी हो, और अब तो काफ़ी सारे वैंस उसके साथ ही रह रहे हैं। वांगजी ने पैट्रियार्क के चेहरे पर बढ़ती हुई टेंशन को नोटिस कर लिया था। पैट्रियार्क कुछ नहीं कहता और सब लोग मिलकर वापस ब्यूरियल माउंट्स में आ जाते हैं। अब बैंक्वेट का समय होता है, सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन पैट्रियार्क वांगजी की तरफ बिल्कुल नहीं देखता और सिर्फ वाइन ही पीता रहता है। 9 बज चुके थे, वांगजी का अपने रूम में जाने का समय हो गया था। पैट्रियार्क उसे गुड नाइट भी विश नहीं करता, इसका मतलब वो उस दिन भी वांगजी को बेड में ज्वाइन नहीं करने वाला था। वांगजी वापस अपने रूम में आता है, अपने रेड रोब्स निकालता है और एक बार फिर उसे खालीपन का एहसास होता है। उसे फिर यही लगने लगता है कि उसके हस्बैंड ने आखिरकार उसे क्यों चुना, उसने क्यों उससे शादी की। वो अभी तक उसे अच्छे से नहीं जान पाया था, वो अभी तक उसका नाम भी नहीं जानता था। वो अपने बालों से वो हेयर पिन निकालता है, लेटते वक्त बस उसे ही देखता रहता है। पैट्रियार्क की स्माइल याद करने लगता है और उस पल को याद करता है कि किस तरह पैट्रियार्क मुस्कुरा रहा था जब वो रैबिट ड्रॉ कर रहा था। यही सब सोचते सोचते वो सो जाता है। देखते ही देखते लांगवांगजी की मैरिज के कुछ हफ्ते बीत गए थे। अब मौसम भी चेंज होने लगा था, मिड ऑटम फेस्टिवल निकल गया था, अब ऑटम आ गया था। ब्यूरियल माउंट्स के सारे लोग फूड हार्वेस्टिंग में और विंटर के प्रिपरेशन में बिजी हो गए थे। पैट्रियार्क वांगजी से बातें तो किया करता था, लेकिन कभी कभी वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाया करता था। वांगजी को समझ नहीं आता था कि पैट्रियार्क आखिरकार जाता कहाँ है। वो जब भी वापस आता, वैन क्लान के सारे बच्चों के साथ मजाक किया करता, उनके साथ हार्वेस्टिंग में हेल्प करता, लेकिन अपनी कल्टीवेशन के बारे में उसने आज तक कभी भी वांगजी से बातें नहीं की थी। वैन क्लान के सारे मेंबर्स भी वांगजी को एक ऑर्डिनरी मैन की तरह ट्रीट करते थे, उसकी सारी बातें मानते थे, उसकी रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन वांगजी को लगता था कि वो उनसे इस तरह बातें करते हैं जैसे वो उनका कोई नेबर हो। वांगजी को लगता था कि पैट्रियार्क का हस्बैंड होने के नाते उसे ब्यूरियल माउंट्स के बारे में, ब्यूरियल माउंट्स के क्रॉप्स के बारे में, वहाँ के विलेजेस के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे लगने लगा था कि शायद ब्यूरियल माउंट्स के लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते, उसे बहुत लोनली फील होने लगा था, और आज तक पैट्रियार्क ने भी इस बारे में उससे कभी कुछ नहीं कहा था। अब उसे धीरे धीरे अपना हस्बैंड मिस्टीरियस लगने लगा था। उसने धीरे धीरे वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू की, क्योंकि उसका हक बनता था, उसे पता होना चाहिए कि ब्यूरियल माउंट्स में कितने सर्वेंट्स हैं, कितने लेबरर्स हैं, कितने विलेजेस और कितने क्रॉप फील्ड्स हैं, लेकिन पैट्रियार्क इस बारे में उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। लैन चिचैन हमेशा क्लाउड असिस के बारे में उसे लेटर लिखा करता था, तो वांगजी भी उसे
बिरियल माउंट्स के बारे में उसे लेटर लिखने लगा था, लेकिन लैन चिचैन के लास्ट टू लेटर्स ने वांगजी की टेंशन बढ़ा दी थी। लैन चिचैन ने अपने लेटर्स में लिखा था, काफ़ी सारे सेक्ट लीडर को चिंता होने लगी है, शायद हीलिंग पेट्रियार्क अपनी आर्मी बना रहा है, उसके पास अब 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं और उनमें कोई भी कल्टिवेटर नहीं है। उसने आसपास के काफ़ी विलेजेस को भी अपने विलेज में शामिल कर लिया है। इमोर्टल्स की पावर का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। उसने वैन रोहान के साथ एक दिन में ही युद्ध ख़त्म कर दिया था। सारे सेक्ट लीडर्स को डर है कि अब वो क्या करना चाह रहा है। वांग जी को कहीं ना कहीं इस बात का बहुत डर था कि सारे सेक्ट लीडर उसके हस्बैंड को गलत समझने लगे हैं। लैन चिचैन के लेटर पढ़ने के बाद वांग जी को लगने लगा था कि वो अपने हस्बैंड की प्राइवेट लाइफ के बारे में कितना कम जानता है, उसकी विशेस क्या हैं, उसके ड्रीम क्या हैं, ये सब उसके लिए मिस्ट्री बनते जा रहे थे। उसने लैन चिचैन के लेटर को जला दिया था। उसे बस दो ही पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही थी, शायद उसका हस्बैंड इनोसेंट है और वो बस उन लोगों के साथ पीसफुली रहना चाहता है जो उसके साथ अभी हैं। उसने शायद इसीलिए इतने सारे वैन लोगों को अपने साथ रखा है, क्योंकि उन लोगों के पास कहीं जाने की जगह नहीं है, वो उनकी मदद करना चाहता है, ना कि कोई आदमी खड़ी कर रहा है। या शायद वो सच में उसे धोखा दे रहा है। अपने डिमोनिक कल्टिवेशन के बेस पर वो सच में सारे सेक्ट लीडर्स को अपने कब्जे में करना चाहता है। क्या वो सच में कोई साजिश रच रहा है, इसलिए उसने मुझसे शादी की, क्योंकि इतने बड़े सेक्ट में शादी करने पर उसका रास्ता और भी साफ हो जाता। लैन चिचैन का लेटर जल जाने के बाद वांग जी ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस रात सो नहीं पाया। वांग जी सारे लेटर्स जला देता था, क्योंकि वो कोई भी ऐसे साइन नहीं छोड़ना चाहता था जिससे वो सस्पिशियस लगने लगे। अब वो दिन आ गया था जब ब्यूरियल माउंट्स में सोंग लान और शाओ शिनचैन आए थे। वांग जी को देखकर शाओ शिनचैन कहने लगा, हमने तुम्हारे बारे में सुना है, बहुत दुख की बात है कि हम तुम्हारी शादी में नहीं आ सके। पता नहीं पेट्रियार्क को इतनी क्या जल्दी थी शादी की कि उसने अपने पुराने दोस्तों का इंतज़ार भी नहीं किया। पेट्रियार्क और वांग जी की शादी कुछ ऐसे हालातों में हुई थी कि वांग जी को खुद समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। सारे वैंस को जल्दी ही पता चल जाता है कि सोंग लान और शाओ शिनचैन वहाँ आए हुए हैं। उन्हें टी सर्व किया जाता है। आचिंग भी टी पी रही होती है और उसका टी पीने का तरीका देखकर शाओ शिनचैन हंसते हुए कहता है, टी पीने के इतने गुड मैनर्स ये तुम्हें पेट्रियार्क ने तो बिल्कुल नहीं सिखाए। आचिंग, कोई और तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना। आचिंग हंसने लगती है और वांग जी की तरफ इशारा कर देती है। सारे बच्चों को काफ़ी हद तक डिसिप्लिन में देखकर शाओ शिनचैन वांग जी से कहता है, तुमने सच में काफ़ी हार्ड वर्क किया है, पेट्रियार्क तो बहुत खुश होगा, हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं रहते तो हम बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाते। तभी सोंग लान हंसते हुए कहता है, हम बस उसके लिए और ज़्यादा अनाथ बच्चे लाते रहते हैं। तभी पेट्रियार्क वहाँ आ जाता है। पेट्रियार्क कहता है, क्या तुम लोगों को मेरे जाने के बाद ही आना था, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम ब्यूरियल माउंट्स के बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हो कि कब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा और तब तुम अंदर आ जाओगे। शाओ शिनचैन हंसते हुए कहता है, शायद हमने गलत समय चुन लिया, लेकिन हम यहाँ फेस्टिवल के लिए आए थे और हम तुम्हारे हस्बैंड से भी मिलना चाहते थे। तभी सोंग लान और शाओ शिनचैन पेट्रियार्क की तरफ गुस्से में देखते हैं। तो पेट्रियार्क वांग जी से कहता है, हस्बैंड प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो, मैंने उन दोनों को शादी में नहीं बुलाया तो ये मुझसे नाराज़ हैं। शाओ शिनचैन कहता है, हम नाराज़ नहीं हैं, हम समझते हैं, जब हमें किसी के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है तो वेट नहीं होता। ऐसा कहकर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वांग जी एम्बैरसिंग फील करने लगता है। वांग जी सोचता है वो दोनों कल्टीवेशन पार्टनर्स हैं तो उनके बीच बहुत गहरा प्यार होगा। उन दोनों को देखकर उनके बीच का प्यार समझ आ रहा था, लेकिन वांग जी को पता नहीं क्यों बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी। उसे ये सब देखकर जेलस फील हो रहा था। उन दोनों की पार्टनरशिप से, उनकी हैप्पीनेस से वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन उन दोनों के बॉन्ड को देखकर वांग जी सोच रहा था, काश उसके और पेट्रियार्क के बीच में भी ऐसा बॉन्ड हो पाता। लेकिन उसने अपने थॉट्स को कंट्रोल किया और उन तीनों की कॉन्वर्सेशन पर ध्यान दिया। पेट्रियार्क कहने लगा, उस समय काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, वेडिंग, वार, हार्वेस्टिंग। शाओ शिनचैन कहता है, अच्छा तो इसीलिए तुम हमें अपनी वेडिंग के बारे में नहीं बता पाए। सोंग लान कहता है, हमें ये न्यूज़ वेंचिंग से मिली। शाओ शिनचैन कहता है, इस बार हम तुम्हें माफ़ करते हैं।
पेट्रिया कहता है पक्का अब मैं सीक्रेटली कोई शादी नहीं करूंगा। सोंगलान कहता है शायद तुम्हारा हस्बैंड इस बारे में कुछ कहना चाहेगा। लेकिन वांगजी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। एक बार फिर पेट्रिया का सारा ध्यान सिर्फ अपने गेस्ट की तरफ था, वो वांगजी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो तीनों आपस में नाइट हंटिंग की बातें कर रहे थे, प्राइवेट जोक्स क्रैक कर रहे थे और जनरल टॉपिक्स पे बातें कर रहे थे, और लान वांगजी को सिर्फ जेलिसी के अलावा और कुछ फील नहीं हो रहा था। अगर परिस्थितियां कुछ अलग होती, अगर उन दोनों में प्यार होता तो शायद वो भी आपस में प्राइवेट जोक्स क्रैक करते, पब्लिकली एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते और एक दूसरे की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते, जैसा कि सोंग लान और शाओ शिनचैन में हो रहा था। और ये सब देखकर वांगजी को जेलसी भी फील नहीं होती। लेकिन उन दोनों की मैरिज अलग थी। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से नहीं देखते थे। पेट्रियाक ने कभी उसे जेंटल टच नहीं किया था। लान वांगजी शाओ शिनचैन के एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाया कि उन दोनों ने इतनी जल्दी शादी क्यों की, क्योंकि उसे तो पेट्रियाक के नाम के बारे में भी अभी तक नहीं पता था, उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब देखकर वांगजी डिनर टेबल से उठकर चला गया। शाओ शिनचैन, सोंगलांग, पेट्रियाक और वांगजी साथ में डिनर कर रहे थे। लेकिन वांगजी को बहुत अकेला फील हो रहा था तो वो वहां से उठकर चला गया था। पेट्रियाक ने जब ये नोटिस किया तो वो शाओ शिनचैन से कहने लगा, मेरे हस्बैंड के फैमिली में रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं, 9 बजे ही वो लोग सो जाते हैं, इसलिए वो चला गया। ऐसा कहकर वो लोग हंसने लगते हैं। वांगजी वहां से जाते हुए ये सब सुन लेता है। वांगजी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे पता था पेट्रियाक को उसके रूल्स का मजाक बनाना पसंद है, लेकिन वो उनकी प्राइवेट बातें हुआ करती थी। अब जब वो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी ऐसे कह रहा था तो वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो वापस अपने चैम्बर में आया उसे बहुत अनईजी फील हो रहा था। उसने सोचा कि शायद उसे सब कुछ लिखकर लान शिनचैन को बता देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वो अपनी फीलिंग्स लान शिनचैन के साथ ही शेयर किया करता था। लेकिन जब उसने शीट ऑफ पेपर निकाला तो वो उस पर कुछ भी नहीं लिख पाया, क्योंकि उसे लग रहा था उसके अंदर जो भी थॉट्स अभी आ रहे हैं वो सारे जेलेसी और सेल्फिश भरे थॉट्स हैं, और ये सब उसे अपने ब्रदर के साथ नहीं शेयर करने चाहिए। क्योंकि वांगजी अपने नए घर में सेफ था, उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था और पेट्रियाक भी उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था, तो अगर वो लान शिनचैन को कुछ बताता भी तो क्या बताता। लान शिनचैन के ऊपर ऑलरेडी पूरे लान क्लैन का बर्डन है और वो अपने थॉट्स उसके साथ शेयर करके उसे टेंशन में नहीं डालना चाहता था। ये सब सोचते हुए वो अपने बालों से वो लोटस पिन निकालता है और उसे देखते हुए ही सो जाता है। मिड ऑटम फेस्टिवल खत्म होने के बाद अब 9th फेस्टिवल आने वाला था। इस दिन पेट्रियाक और वांगजी को पेट्रियाक के डेड पेरेंट्स की आत्मा की शांति के लिए ऑफरिंग करना था। पेट्रियाक और वांगजी दोनों एंसेस्टर हॉल में आते हैं। वांगजी जब अपने वेडिंग डे वाले दिन वहां आया था तो वेल की वजह से वो उन कब्र पर नाम नहीं पढ़ पाया था। अब वो उसे कब्र पर नाम पढ़ता है तो वहां चैंगसे सरन लिखा हुआ था। पेट्रियाक कहता है वो मेरी माँ का नाम है। वांगजी पेट्रियाक से पूछता है तुम और शाओ शिनचैन रिलेटेड हो। पेट्रियाक कहता है वो मेरे अंकल हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं बुलाता क्योंकि हम दोनों सेम एज के ही हैं। अब वांगजी उससे पूछता है क्या तुम कभी बाओशिन सारन से मिले हो। पेट्रियाक कहता है सिर्फ एक बार मिला था। अब वांगजी पेट्रियाक के फादर की टैबलेट की तरफ देखता है तो वहाँ वे चांग से लिखा हुआ था। तो वांगजी उससे कहता है मैं हमेशा सोचता था कि वे सरनेम कहाँ से आया, क्योंकि वेंचिंग वे सरनेम यूज़ करती है ना। पेट्रियाक कहता है कुछ वेंस यहाँ वे सरनेम यूज़ करते हैं जब वो बाहर जाते हैं। ऐसे वेंस जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, उनको मैं अपना सरनेम यूज़ करने देता हूँ। मैं उन्हें फोर्स नहीं करता क्योंकि वो मेरे ब्लड रिलेटिव्स नहीं हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। वांगजी कहता है तुम्हारे फादर जियांग क्लान की सर्विस में थे ना, मैंने अंकल को एक बार कहते हुए सुना था। तुम्हारे पेरेंट्स सेक लीडर जियांग के साथ एक बार क्लाउड रेसेस आए थे। एक बार नाइट हंट की कोई बात को लेकर तुम्हारी मदर ने मेरे अंकल की बियर्ड शेव कर दी थी। पेट्रियाक शॉक रह जाता है और उससे कहता है ऐसा हुआ था क्या, तुम्हारे अंकल ने ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा। वांगजी कहता है मैं तब तक पैदा नहीं हुआ था तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। पेट्रियाक अपने मदर की कब्र देखते हुए कहता है मदर मुझे विश्वास है कि आपने अपना बदला पूरा कर लिया होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड के अंकल के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम थी प्लीज़ उसका गुस्सा मेरे हस्बैंड पर मत निकालना। आपका सन इन लॉ बहुत अच्छा है।
वांगजी सीक्रेटली मुस्कुराता है और दोनों पेट्रियाक के पेरेंट्स को ऑफरिंग्स करते हैं। कुछ समय बाद पेट्रियाक वांगजी से कहता है, इस बार तुम अपने पेरेंट्स को ऑफरिंग्स नहीं कर पाए होंगे ना। वांगजी कहता है, मेरी जगह इस बार ब्रदर करेंगे, अंकल उनकी हेल्प करेंगे। पेट्रियाक कहता है, अगर ये तुम्हारे रूल्स में ना हो तो तुम प्राइवेटली अपने पेरेंट्स को ऑफरिंग कर सकते हो, या फिर अगर तुम चाहो तो मेरे पेरेंट्स के पास हम तुम्हारे पेरेंट्स की कब्र भी यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ बहुत जगह है, मेरे पेरेंट्स को शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वांगजी सिर्फ पेट्रियाक की तरफ ही देखता रहता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। कुछ समय बाद पेट्रियाक वांगजी से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था, क्या तुम देखना चाहोगे। ऐसा कहकर पेट्रियाक वांगजी को बाहर लेकर आता है। बाहर बहुत छोटे छोटे सॉफ्ट क्यूट से रैबिट्स थे। पेट्रियाक उसे कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वांगजी उन रैबिट्स को अपने गोद में लेता है और उन्हें सहलाता रहता है। पेट्रियाक उसे कहता है, ये तुम्हारे लिए कितने ओबीडियंट हैं, मैंने इन्हें उठाया था तो इन्होंने मुझे दो बार काट लिया था। वांगजी एक रैबिट पेट्रियाक की गोद में देते हुए कहता है, तुमने उन्हें डरा दिया होगा। वांगजी पेट्रियाक को सिखाता है कि रैबिट को कैसे होल्ड करना है। पेट्रियाक उसे पूछता है, तुम्हें ये अच्छे लगे। वांगजी उसे कहता है, हाँ बहुत अच्छे लगे, थैंक यू। पेट्रियाक कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हें रैबिट्स इतने पसंद हैं तो मैं बहुत पहले ले आता। मैं तुम्हारे लिए पहले कोई फिश लेकर आया था, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि वो तो बस पूरे दिन सोती ही रहती हैं और तुम्हें कंपनी नहीं दे पाएंगी। तुम जब यहाँ के बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते वक्त परेशान हो जाओ तो तुम यहाँ इन रैबिट्स के पास आ सकते हो और इनके साथ खेल सकते हो। वांगजी कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। पेट्रियाक कहता है, कोई बात नहीं। वांगजी कहता है, नहीं मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। पेट्रियाक कहता है, ठीक है अगर ऐसा ही है तो मेरे पास एक आइडिया है। तुम कैलीग्राफी में बहुत अच्छे हो ना, तो तुम्हें कुछ स्क्रॉल्स बनाने चाहिए जिस पर तुम अपनी कैलीग्राफी करोगे। यहाँ पर वॉल्स काफ़ी प्लेन हैं तो हम उन्हें वॉल्स पर लटकाएंगे। वांगजी को 4 ब्यूटीफुल पैड्स के लिए स्क्रॉल्स बनाना अनसेटिस्फैक्ट्री लग रहा था, लेकिन क्योंकि उसका हस्बैंड यही चाहता था तो वो उसे कह देता है, ठीक है मैं कैलीग्राफी के स्क्रॉल्स बना लूँगा। अब वांगजी धीरे धीरे रात वाले सारे जेलसी थॉट्स को भूलने लगा था। अब पेट्रियाक वांगजी के बालों में उस लोटस पिन पर हाथ फिराते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि वो मेरी मदर की है। फिर हंसते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता होगा, मैंने कभी तुम्हें बताया ही नहीं। मेरी माँ एक नॉर्मल कल्टीवेटर थी, उनके पास ज़्यादा मनी नहीं थी, ना ही कोई फैंसी ज्वेलरी थी, मेरे पास बस एक यही लोटस पिन है जो उनकी थी। वांगजी कहता है, क्या तुम इसे वापस रखना चाहते हो। तो पेट्रियाक उसे कहता है, नहीं तुम्हें ही इसे रखना है, लेकिन इसका प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना। शाम के समय पेट्रियाक वांगजी को लाइब्रेरी लेकर आता है। वांगजी कभी भी शाम के समय लाइब्रेरी नहीं आया था, वो हमेशा मॉर्निंग में ही आया करता था। पेट्रियाक लाइब्रेरी में उसे एक डार्केस्ट रूम की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर वो एक तालिस्मान के जरिए एक कैबिनेट खोलता है। वांगजी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वहाँ पर एक सीक्रेट कैबिनेट था जिसमें काफ़ी सारे वाइन जार्स रखे हुए थे। वांगजी का फेस देखकर पेट्रियाक उससे कहता है, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं होगा ना कि यहाँ पर वाइन जार्स होंगे। मैं यहाँ छुपा कर रखता हूँ ताकि बच्चे यहाँ तक ना पहुँच सके। क्लाउड रेसिस में लाइब्रेरी में ड्रिंक करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा ना। वांगजी कहता है, क्लाउड रेसिस में कहीं भी ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है और स्पेशली लाइब्रेरी में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। पेट्रियाक कहता है, लेकिन सोंगलान और शाओशिनचैन अगर यहाँ होते तो हम लोग मिलकर यहाँ वाइन पीते, गेम्स खेलते, गैम्बलिंग करते, लेकिन मनी के लिए नहीं, टोकन्स के लिए। पेट्रियाक कुछ सिंपल वुडन टोकन्स निकालता है और वांगजी से कहता है, जब भी हम तीनों खेला करते थे मैं और सोंगलान हमेशा शाओशिनचैन से जीत जाया करते थे। अब पेट्रियाक वांगजी के सामने टोकन्स और वाइन जार रखते हुए कहता है, तुम कौन सी एक्टिविटी करना चाहोगे हस्बैंड। वांगजी कहता है, गैम्बलिंग नहीं। तो पेट्रियाक कहता है, क्यों, क्योंकि ये क्लाउड रेसिस में अलाउड नहीं है। वांगजी कहता है, मैं गैम्बलिंग नहीं करना चाहता क्योंकि मैं शाओशिनचैन को चैलेंज नहीं करना चाहता। मुझे पता है मैं शाओशिनचैन से भी पहले सारे टोकन्स हार जाऊंगा। पेट्रियाक हंसने लगता है और उससे कहता है, ये तो तुमने सही कहा,
शायद ये कह पाना मुश्किल होगा कि कौन ज्यादा बेकार प्लेयर है, मेरा हस्बैंड या शाओ शिनचैन। पेट्रिया कहता है ठीक है फिर गैम्बलिंग को रहने देते हैं, कैसा रहेगा तुम मुझे कुछ स्टोरी सुनाओ या कोई भी गॉसिप, इतने सालों में कोई भी गॉसिप्स जो तुमने सुनी हो क्या तुम मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहोगे। वांग जी कहता है बैटलफील्ड्स में कोई भी गॉसिप नहीं होती और मैं वैसे भी ये सब पर ध्यान नहीं देता। पेट्रिया कहता है ऐसा है क्या, ठीक है फिर कोई गैम्बलिंग नहीं, कोई गॉसिप नहीं, अब तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है। हस्बैंड क्या तुम थोड़ी सी वाइन ट्राई करना चाहोगे, आज फेस्टिवल का दिन है, इस वाइन को पीकर देखो, मैंने सुना है इस वाइन को पीने से एजिंग इफेक्ट को कम किया जा सकता है और तुम्हारा जीवन काल बढ़ सकता है, अगर तुम इमोर्टलिटी कल्टिवेट करना चाहते हो तो ये वाइन तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। वांग जी उससे पूछता है क्या तुमने भी ऐसे ही इमोर्टलिटी कल्टिवेट की है। पेट्रिया हंसने लगता है और उससे कहता है वैसे ये अच्छा आइडिया है, मैं भी सब लोगों को यही बताया करूँगा कि मैंने इस वाइन के जरिए इमोर्टलिटी को कल्टिवेट किया है। हस्बैंड तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो वांग जी कहता है झूठ बोलना गलत है। पेट्रिया कहता है तुम कैसे कह सकते हो कि ये झूठ है, तुमने इस वाइन को कभी टेस्ट भी नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। अब तुम क्लाउड रेसिस में नहीं हो और यहाँ पर ड्रिंकिंग अलाउड है, फिर तुम यहाँ क्यों रूल फॉलो कर रहे हो। वांग जी जब पेट्रिया की तरफ देखता है तो वो बहुत ही एक्साइटिंग और स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा था और वाइन का कप हाथ में पकड़े हुए था। वांग जी उसके फेस पर से वो स्माइल गायब नहीं होने देना चाहता था। उसने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी वैन क्लान के मेंबर नहीं थे और ना ही कोई बच्चे थे, पूरी लाइब्रेरी में वो दोनों अकेले थे। उसने पेट्रियाक से कहा सिर्फ एक कप। पेट्रियाक मुस्कुराने लगा और उससे कहा ठीक है मैं सिर्फ एक कप वाइन तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे पता है ये वाइन इतनी टेस्टी है कि तुम खुद और कप के लिए कहोगे, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं एक कप से ज़्यादा तुम्हें नहीं पीने दूंगा। वांग जी ने पेट्रिया के हाथ से वो वाइन का कप लिया और तुरंत उसे पूरा पी लिया। पेट्रिया कहता है तुमने इतनी जल्दी पूरा कप खाली कर दिया। वांग जी कोई जवाब नहीं देता और बस उसी की तरफ देखता रहता है। पेट्रिया कहता है कहीं ऐसा तो नहीं तुम अभी से ड्रंक हो गए हो, सिर्फ एक कप के बाद ही। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहीं टेबल पर लेट जाता है। पेट्रिया कहता है तुम इतनी जल्दी सो गए, मैंने तो सोचा था कि मुझे ड्रंक लांगवांग जी देखने को मिलेगा जो टेबल्स पर डांस करेगा। तभी वांग जी अपना सिर पेट्रिया की गोद में रख लेता है। पेट्रिया गुस्से कहता है हस्बैंड क्या मैं जान सकता हूँ तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है वार्म फील कर रहा हूँ। पेट्रिया कहता है अच्छा मैं समझा तुम्हें ठंड लग रही है। पेट्रिया अपना रोब निकालता है, उसे उड़ाता है और उसके बालों पर हाथ फिराते हुए कहता है अब तुम्हें वार्म फील हो रहा है। वांग जी को बहुत अच्छा फील हो रहा था, वो पेट्रिया के बहुत नज़दीक जाना चाहता था और उसके बॉडी को टच करना चाहता था। ऐसा सोचकर वांग जी पेट्रिया के गोद में आकर बैठ जाता है और अपना सिर उसके शोल्डर्स पर रखता है और उसे दोनों तरफ से हाथों से पकड़ लेता है और उसे कहता है अब मुझे वार्म फील हो रहा है। पेट्रियाक मुस्कुराने लगता है और उसके बैक पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है थैंक गॉड हम दोनों मैरिड हैं, अगर हम मैरिड नहीं होते और तुम्हारी फैमिली हमें इस तरह देख लेते तो तुम उन्हें मुंह नहीं दिखा पाते। वांग जी उसकी बात पर सिर हिला देता है तो पेट्रियाक हंसते हुए उससे कहता है सच में ऐसा होता तुम्हारी फैमिली तुम्हें इस बात पर पनिश करती कि तुम किसी मैन के गोद में बैठे हुए थे। वांग जी कहता है ब्रदर कुछ नहीं कहते लेकिन अंकल पनिश करते। पेट्रिया कहता है लेकिन चिंता मत करो हम दोनों मैरिड हैं तो तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। वांग जी और भी कस के उसे पकड़ लेता है तो पेट्रिया कहता है मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम जब ड्रंक हो जाते हो तो इतनी क्यूट हरकतें करते हो, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने किसी और के साथ ऐसा नहीं किया है या फिर किया है, मुझे पता है तुम पहले कभी ड्रंक नहीं हुए लेकिन क्या तुमने कभी इस तरीके से किसी को हक किया है। वांग जी उसकी तरफ गुस्से में देखने लगता है और उससे कहता है नहीं। पेट्रिया कहता है बुरा मत मानना मैं तुम्हारे ऑनर को इंसल्ट नहीं कर रहा। वांग जी कहता है मैरिज से पहले ये सब अलाउड नहीं होता। पेट्रिया फिर उसके बालों पर हाथ फिराता है और उससे कहता है सच में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं।
पेट्रियार्क फिर उससे एक क्वेश्चन पूछता है और उससे कहता है, हस्बैंड मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर नो ही होगा। जब तुम आज तक किसी मैन की गोद में ऐसे बैठे हुए नहीं हो तो फिर तुमने ये किया भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने शादी से पहले किसी को किस किया है? वांगजी उसकी तरफ ही देखता रहता है और उससे कहता है, नहीं, मैरिज से पहले ये सब अलाउड नहीं। पेट्रियार्क कहता है, ये भी अलाउड नहीं है? मुझे विश्वास नहीं होता, तुम्हारे क्लैन के सारे लोग ये सब रूल्स फॉलो करते हैं। हस्बैंड मुझे लगता है मुझे तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़कर आना चाहिए, तुम्हें नींद आ रही होगी। लेकिन मुझे ये मौका फिर नहीं मिलेगा तुमसे इस तरह क्वेश्चंस पूछने का। चलो मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हें इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? वांगजी कहता है, रैबिट्स। पेट्रिया कहता है, सच में? वैसे रैबिट्स तो मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसके अलावा और तुम्हें क्या पसंद है? वांगजी कहता है, चिल्ड्रन। पेट्रिया कहता है, चिल्ड्रन भी हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, क्या तुम और बच्चे चाहते हो? वांगजी कहता है, नहीं, मैं वेट कर सकता हूँ। पेट्रिया कहता है, हाँ ये भी सही है, तुम चिंता मत करो, आगे जाकर और भी बच्चे तुम्हें यहाँ घूमते हुए नजर आएंगे। तो रैबिट्स और चिल्ड्रन के अलावा और तुम्हें क्या पसंद है? वांगजी कहता है, चिकन्स। पेट्रिया कहता है, चिकन्स? लेकिन हमारे पास चिकन्स भी बहुत सारे हैं, तुमने देखा नहीं हमारे नॉर्थन एरिया में काफ़ी सारे चिकन्स हैं? वांगजी मना कर देता है। तो पेट्रिया कहता है, नहीं है, क्या हमारे पास चिकन्स नहीं है? लेकिन मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। वांगजी कहता है, नहीं, वो राइट चिकन्स नहीं है, मुझे और भी बेटर चिकन चाहिए। ऐसा कहकर वांगजी पेट्रियार्क को बाहर खींचने लगता है। तो पेट्रियार्क उससे कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वांगजी कहता है, चिकन्स लेने के लिए। पेट्रियार्क उसे रोकता है और उससे कहता है, हस्बैंड मुझे नहीं लगता ये सही समय है, क्यों ना हम कल टाउन में चलेंगे तुम्हारे लिए चिकन खरीदने के लिए। वांगजी को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन दोनों की शादी को काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन उसने अभी अपने हस्बैंड को ट्रेडिशनल चिकन्स नहीं दिए थे जो कि चाइनीज ट्रेडिशन मैरिज के अकॉर्डिंग पार्टनर को देने चाहिए। वांगजी उसे खींचने ही लगता है। तो पेट्रियार्क उससे कहता है, हस्बैंड प्लीज़ बात को समझो, अभी बहुत रात हो चुकी है, अंधेरा भी बहुत होगा, हम कल पक्का चलेंगे। वांगजी कहता है, हम कहीं से चुरा सकते हैं। पेट्रिया को यह सुनकर विश्वास नहीं होता और वो उसे कहता है, एक कप वाइन ने मेरे हस्बैंड का क्या हाल कर दिया, वो चोरी करने के लिए कह रहा है। पेट्रिया को उसके शोल्डर्स पकड़ते हुए कहता है, हस्बैंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कल हम तुम्हारे लिए बेस्ट चिकन्स लेंगे। पेट्रिया वांगजी के कपड़े ठीक करते हुए कहता है, देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, तुम्हारा रिबन भी टेढ़ा हो गया है। तो वांगजी उससे कहता है, प्लीज़ इसे फिक्स कर दो। पेट्रिया कहता है, ठीक है मैं इसे ठीक कर देता हूँ। वो उसका रिबन ठीक करने लगता है और उससे कहता है, अब मैं सीधे तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़कर आ रहा हूँ, बस बीच में हमें कोई ऐसे देख ना ले। पेट्रिया को उसे रूम में लेकर आता है, उसे वाटर देता है और उससे कहता है, मुझे पता है कल तुम्हें बहुत सिर दर्द रहने वाला है, लेकिन प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना, मुझे नहीं पता था कि एक कप वाइन से तुम्हारा ये हाल हो जाता है। वांगजी उससे कहता है, मैं अपने हस्बैंड को ब्लेम नहीं करूंगा। पेट्रिया कहता है, तुम सच में कितने क्यूट हो, मुझे लगता है तुम्हें मुझे कुछ और बुलाना चाहिए। हस्बैंड क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी एज क्या है? वांगजी कहता है, 21। पेट्रिया कहता है, फिर तो मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें मुझे वे गगा बुलाना चाहिए। वांगजी अपनी क्यूट सी वॉइस में उससे वे गगा कहता है। पेट्रिया हंसने लगता है। पेट्रियार्क उसे एक ग्लास पानी पीने के लिए और देता है। अब वांगजी अपना रोब उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उतार पाता। तो पेट्रियार्क उसे कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो उसका रोब निकालता है और उसके शूज़ निकालता है। अब पेट्रियार्क उसे पूछता है, क्या तुम इस रिबन को पहने हुए ही सोते हो? वांगजी उसे एक पाउच की तरफ इशारा करता है। तो पेट्रियार्क वो लोटस पिन और रिबन उसके पाउच में रख देता है। पेट्रियार्क वहाँ से जाने लगता है तो वांगजी उसके रोप्स पकड़ लेता है। पेट्रियार्क उसे कहता है, क्या हुआ हस्बैंड, क्या मैं यहाँ से जाने के लिए अलाउड नहीं हूँ? वांगजी सिर हिला देता है। पेट्रियार्क वहीं बेड पर लेट जाता है। कुछ समय बाद वो उसका हाथ अपने रोप से हटाते हुए कहता है, कैसा रहेगा जब तक तुम सो नहीं जाते, मैं यहीं ऐसे ही बैठते हुए तुम्हें देखता रहूँगा।
वांगजी पेट्रा को अपने साथ सोने के लिए कहना चाहता था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह पाया। उसे पता था कि जब वो सो जाएगा तो पेट्रा वहाँ से चला जाएगा। काफ़ी समय तक वो उसे ही देखता रहा और फाइनली जब वो सो गया तो पेट्रा वहाँ से चला गया। सुबह जब वांगजी उठता है तो उसे हेडक होने लगता है। वो देखता है कि वो अपने स्लीपिंग रोब्स में नहीं था। तब वो याद करने लगता है कि पिछली रात उसके साथ हुआ क्या था। तब उसे याद आता है कि किस तरह उसका हस्बैंड उसे लाइब्रेरी लेकर गया था और उसे वाइन पिलाई थी। तभी वहाँ ज़ाओ लिफैन आती है। ज़ाओ लिफैन वो लेडी थी जिसको पेट्रियाक ने लैन वांगजी के देखभाल में रखा हुआ था। वांगजी के चैम्बर में टी पहुँचाने का काम ज़ाओ लिफैन का ही था। ज़ाओ लिफैन वांगजी से कहती है, पेट्रियाक ने मुझसे कहा था कि शायद आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होगी। वांगजी को एम्बेरसिंग फील होने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसने पेट्रियाक के सामने पता नहीं नशे में क्या क्या हरकतें की होंगी। वांगजी ज़ाओ लिफैन से कुछ टी लाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांगजी देखता है कि उसके फोरहेड पर रिबन भी नहीं था। तभी वो पाउच चेक करता है तो उसमें उसका रिबन और लोटस पिन रखी हुई थी। ये देखकर उसके चीक्स रेड होने लगते हैं, क्योंकि जब उसने अपना फोरहेड रिबन पाउच में नहीं रखा तो वो ज़रूर उसके हस्बैंड ने रखा होगा और उसने आज तक किसी को रिबन टच नहीं करने दिया था। जब वांगजी बाहर जाता है तो पेट्रियाक उससे कहने लगता है, हस्बैंड तुम अब कैसा फील कर रहे हो? वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ। कुछ समय बाद वांगजी उससे कहता है, मैं अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। पेट्रियाक हंसने लगता है और उससे कहता है, पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? मैंने तुमसे कहा था ना, ड्रिंकिंग करना यहाँ पर अलाउड है। मैंने तुम्हें रात को बताया था, क्या तुम्हें याद है? वांगजी कहता है, हाँ मुझे याद है। तो पेट्रियाक उससे कहता है, और तुम्हें क्या क्या याद है? वांगजी कहता है, वाइन पीने के बाद क्या हुआ था मुझे कुछ नहीं याद। पेट्रियाक कहता है, हस्बैंड अगर तुम्हें लगता है कि तुमने वाइन पीने के बाद कुछ गलत किया या मुझे परेशान किया तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम काफ़ी ड्रंक थे लेकिन तुमने कुछ गलत नहीं किया, और वैसे भी मैंने तुम्हें वाइन पिलाई थी तो मेरी गलती होनी चाहिए, मैं तुम्हें क्यों पनिश करूँगा? वांगजी कहता है, लेकिन बैड बिहेवियर मेरा था तो पनिशमेंट मुझे ही मिलनी चाहिए। पेट्रियाक कहता है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो सिर्फ एक बात पर मैं तुम्हारी पनिशमेंट माफ़ कर दूंगा, तुम्हें मुझे कुछ प्रॉमिस करना होगा। वांगजी उससे पूछता है, कैसा प्रॉमिस? पेट्रियाक कहता है, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस तरह किसी और के साथ ड्रिंक नहीं करोगे। जब तक मैं हूँ तब तक ठीक है, लेकिन किसी और के साथ तुम उस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते जैसा तुमने रात को किया था, क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो? वांगजी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी ड्रिंक नहीं करूँगा। वांगजी जब वापस जाता है तो बस यही सोचता रहता है, आखिरकार रात को उसने ऐसा किया क्या था जो उसके हस्बैंड ने ऐसा कहा कि वो किसी और के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन वांगजी फिर अपने शेड्यूल पर आ चुका था। उसने स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए सोंगलान और शाओ शिनचैन से कहा तो उन दोनों ने कहा कि उनको कुछ ज़रूरी काम है और उन्हें वहाँ से वापस जाना होगा। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद आचिंग को बहुत बुरा लगने लगा था। आचिंग कहने लगी, उन दोनों ने कहा था कि वो विंटर तक रुकेंगे, फिर वो इतनी जल्दी क्यों चले गए? ये क्वेश्चन वांगजी को भी परेशान कर रहा था, क्योंकि सोंगलान और शाओ शिनचैन इससे पहले पेट्रियाक के साथ उसके स्टडी रूम में थे और वहाँ से वापस आते ही उन दोनों ने कहा कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम है और उन्हें जाना होगा। वांगजी को फिर यही लगने लगा, उसकी मैरिज बहुत अच्छी चल रही है, उसका हस्बैंड उसे किसी बात पर पनिश नहीं करता और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन अभी भी उन दोनों में ट्रस्ट की कमी है। क्या उसका हस्बैंड उस पर ट्रस्ट नहीं करता? जो वो अपने मिशन के बारे में सोंगलान और शाओ शिनचैन को तो बता सकता है, पर उसने वांगजी को कुछ नहीं बताया। अब उसकी शादी को 2 महीने हो चुके थे और वो धीरे धीरे पेट्रियाक की लाइफ के बारे में जानने लगा था। पेट्रियाक कभी भी किसी से कोई मदद नहीं लेता था, वो लोग वहीं ब्यूरल माउंट्स में ही क्रॉप्स ग्रो करते थे और उन्हें सेल करके ही उनका खर्च चला करता था। पेट्रियाक कभी कभी अपने कुछ ट्रिक्स अपनाया करता था जिससे एग्रीकल्चरल वर्क और भी जल्दी से हो सके, लेकिन उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। अब कुछ क्लांस ने मिलकर पेट्रियाक के लिए प्रेजेंट्स भेजे थे, क्योंकि पेट्रियाक एक इमोर्टल था तो इमोर्टल को ट्रिब्यूट देने के लिए अक्सर क्लान लीडर्स कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भेजा करते थे।
लैंड क्लैन से कई टाउन के कुछ फैब्रिक्स भेजे गए थे, वांगजी उन्हें ही देखे जा रहा था। तो पेट्रियाक उससे कहता है, अगर तुम्हें ये अच्छे लगे हैं तो तुम इन्हें रख सकते हो। वांगजी कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके वार्डरोब ऑलरेडी पेट्रियाक ने काफ़ी सारे न्यू रोब्स के साथ भर दिए थे। पेट्रियाक कहता है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो इन्हें स्टोर हाउस में रख दो, हम इनकी मदद से बच्चों के लिए कुछ नए रोब्स बनवा सकते हैं। वांगजी ऐसा ही करता है। अगले दिन सारे बच्चे अपने न्यू रोब्स में घूम रहे होते हैं। आयुएन को न्यू रोब में देखकर पेट्रियाक कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सारे फैब्रिक तुम्हें अपने लिए रखना चाहिए, तुमने सारा फैब्रिक इन बच्चों पर वेस्ट कर दिया, ये बहुत जल्दी ही अपने कपड़े खराब कर लेंगे। वांगजी कहता है, मुझे और ज़्यादा न्यू रोब्स की ज़रूरत नहीं है। पेट्रियाक कहता है, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे, मैरिज में ऐसा ही होता है, तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहिए हस्बैंड, प्लीज़ मुझे न्यू ज्वेलरीज ला कर दो, न्यू रोब्स ला कर दो, फ़ायदा ही क्या एक इमोटर से शादी करने का अगर वो तुम्हें बिगाड़ कर ना रखे तो। वांगजी धीरे से कहता है, तुमने मुझे बिगाड़ कर ही रखा है। ये सुनते ही पेट्रियाक जो टी पी रहा था अचानक से उसे ठसका लगता है, उसके चीक्स रेड हो जाते हैं और वो वांगजी से कहता है, वैसे मुझे कुछ याद आया, मुझे समझ आ गया है कि अगले प्रेजेंट में मुझे तुम्हें क्या देना चाहिए। वांगजी कहता है, मुझे और प्रेजेंट की ज़रूरत नहीं। तो पेट्रियाक उससे कहता है, नहीं हस्बैंड, मुझे याद है तुमने मुझसे कुछ कहा था लेकिन मैं भूल गया था, सॉरी, मुझे माफ़ करना, लेकिन अब मैं तुम्हें वो प्रेजेंट देकर रहूँगा। ऐसा कहकर पेट्रियाक वहाँ से चला गया। उस रात वांगजी लेटते हुए यही सोचता रहा कि उसने ऐसी कोई भी स्पेशल रिक्वेस्ट तो अपने हस्बैंड से नहीं की थी, तो वो किस बारे में बात कर रहा है। अब पेट्रियाक अक्सर वांगजी के साथ इवनिंग बिताने लगा था, लेकिन जैसे ही रात को सोने का समय आता था वो वहाँ से चला जाया करता था। 2 महीने तक ब्यूरियल माउंट्स में रहने के बाद वांगजी को विश्वास हो गया था कि पेट्रियाक की कोई भी मिस्ट्रेस ब्यूरियल माउंट्स में तो नहीं है। तो आखिर पेट्रियाक ने कभी उससे ये क्यों नहीं कहा, हस्बैंड क्या आज रात को मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, क्योंकि वांगजी अब उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। वांगजी फिर अपनी वेडिंग नाइट सोचने लगा और याद करने लगा कि ऐसा क्या हुआ था। उसे लगने लगा कि शायद उसे अपने हस्बैंड के सामने थोड़ा सेडक्टिव और लगना चाहिए था, इसीलिए वो उसके साथ नहीं रुक पाया। शायद पेट्रियाक को लगा होगा कि वांगजी अभी ये सब के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से चला गया होगा। ऐसा सोचकर वांगजी और एम्बैरेसिंग फील करने लगता है, या फिर उसके हस्बैंड को मेल में इंटरेस्ट ही नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसने वांगजी को क्यों चुना। अगले दिन पेट्रियाक वांगजी का हाथ खींचते हुए उसे बाहर ले जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रेजेंट ले आया हूँ। वांगजी बाहर देखता है तो बाहर काफ़ी सारे चिकन्स थे और वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो पेट्रियाक उससे कहता है, शायद तुम्हें याद नहीं है लेकिन जब तुम ड्रंक थे तो तुम बार बार यही कह रहे थे कि तुम्हें चिकन्स चाहिए। मैं तुमसे बार बार कह रहा था कि हमारे पास ऑलरेडी चिकन्स हैं लेकिन तुम सेटिस्फाइड नहीं थे और तुम मुझे तभी की तभी बाहर ले जाना चाहते थे। अब इनका ख्याल अच्छे से रखना, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको काट कर मैं आराम से खाऊंगा। वांगजी कहता है, नहीं, अगर ये गिफ्ट हैं तो फिर ये मेरे हैं और मैं तुम्हें इन्हें नहीं खाने दूंगा। पेट्रियाक हंसने लगता है और चिकन्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुमने देखा, हंगुनजुन खुद तुम्हें बचा रहे हैं, अब उनका अच्छे से ख्याल रखना और उन्हें बिल्कुल भी निराश मत करना। अब डिनर के वक्त पेट्रियाक वांगजी और वेंचिंग साथ में बैठे होते हैं। तो पेट्रियाक कहता है, आज मैं यीलिंग गया था कुछ चिकन्स खरीदने के लिए, तो मैंने वहाँ कुछ न्यूज़ सुनी। तो वेंचिंग पूछती है, तुम जरूर भेस बदल कर गए होंगे ना। पेट्रियाक कहता है, हाँ बिल्कुल, जब तक मैं भेस बदल कर ना जाऊँ तो कोई भी मुझे बताता ही नहीं है कि आसपास चल क्या रहा है। पेट्रियाक कहता है, मैंने सुना है जिन सेक्ट में आजकल बहुत कुछ चल रहा है। वो वांगजी से कहता है, हस्बैंड क्या तुमने इस बारे में कुछ सुना है। वांगजी कहता है, ब्रदर ने मुझे बताया था कि सेक्ट लीडर जिन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और मैंने ये भी सुना है कि उनके बेटे जिन जुशेन की शादी जल्दी ही जियांग क्लान में जियांग यानली से होने वाली है। पेट्रियाक कहता है, ऐसा है क्या, शायद मैं उन्हें जानता हूँ, जब मैं सेक लीडर के साथ हुई मीटिंग में आया था तो वो भी वहाँ बैठी हुई थी, वो काफ़ी काइंड लेडी लग रही थी। ये सुनकर वांगजी थोड़ा सा लो देखने लगता है। तो पेट्रियाक ये बात नोटिस करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगता है, हस्बैंड तुम्हें जलस होने की ज़रूरत नहीं है,
वो काफ़ी यंग और नाइस लेडी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें कभी पिक नहीं करता क्योंकि वो मेरे टाइप की नहीं थी। वांगजी सोचने लगता है इसका मतलब पेट्रा को वो अपने टाइप का लगा था। ये सोचते हुए वो ब्लश करने लगता है। अब पेट्रा वांगजी से कहता है, हस्बैंड मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, क्या कल तुम 11 बजे मेरे स्टडी रूम में आ सकते हो? वांगजी सिर हिला देता है, लेकिन उस रात जब वो अपने चैम्बर में जाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार पेट्रियाक ने उसे अपने स्टडी रूम में इनवाइट किया था, वो जो उसका प्राइवेट प्लेस था जहाँ पर केवल सोंगलान, शाओ शिनचैन और वेंचिंग को ही जाना अलाउड था। अब जब पेट्रियाक ने उसे भी इन्वाइट किया था, इसका मतलब पेट्रियाक उस पर ट्रस्ट करने लगा है। अब वो सोचने लगता है कि वो क्या फेवर होगा जो उसका हस्बैंड उससे चाहता है। अगले दिन वांगजी पेट्रा के स्टडी रूम में जाता है जहां उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिसेंटफुल एनर्जी का एहसास होता है। वांगजी आसपास देखने लगता है तो पेट्रा उससे कहता है, हस्बैंड मुझे पता है यहां आसपास देखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर रिसेंटफुल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये वर्क के लिए बेस्ट प्लेस है। अब पेट्रा उससे पूछता है, क्या तुम अभी उठे हो? वांगजी देखता है कि पेट्रा के बाल बिखरे हुए थे तो पेट्रा उससे कहता है, शायद मैं कल रात को सोना ही भूल गया। वांगजी उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है तो पेट्रा कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, वैसे भी इमोटल्स को सोने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेगुलर शेड्यूल को फॉलो ही नहीं करना चाहिए। पेट्रा कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आज मैंने यहाँ तुम्हें एक फेवर की वजह से बुलाया है। वो अपने उस स्टडी रूम में जो कि एक केव था, वांगजी को और भी अंदर की तरफ ले जाने लगता है। वांगजी को समझ नहीं आता कि आखिरकार पेट्रा को किस तरीके का फेवर चाहिए। आगे जाने के बाद वांगजी देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा लिविंग स्पेस था जहाँ बेड रखा हुआ था, पास में ही एक ड्रॉर था, वहाँ सोप और टॉवल भी थे और पेट्रा ने अपने हाथ में एक रेजर पकड़ा हुआ था। पेट्रा खुद से कहता है, शेविंग मेरे लिए सच में बहुत बड़ी मुसीबत का काम है और टाइम वेस्टिंग भी लगता है। मैंने एक बार ऑटोमेटिक शेविंग तालिस्मान बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। वो तो अच्छा था कि वेंचिंग की कुछ हर्ब्स की वजह से मैं ब्लड को रोक पाया। वांगजी सोचने लगता है, पेट्रा ने ऑलरेडी अपने डेली रूटीन में काफ़ी जगह तालिस्मान का इस्तेमाल करना सीख लिया था, लेकिन शेविंग एक ऐसा काम है जिसे खुद ही किया जाए तो ठीक रहता है। पेट्रा उसके नज़दीक आता है और उससे कहने लगता है, मैं सोच रहा था तुम ऑलरेडी काफ़ी जगह मेरी मदद कर चुके हो, हार्वेस्टिंग में, बच्चों को पढ़ाने में, तो क्यों ना मैं तुम्हारा थोड़ा और फ़ायदा उठाऊँ, क्या तुम प्लीज़ शेविंग में भी मेरी मदद करोगे? वांगजी शॉक रह जाता है। उसे लग रहा था कि पेट्रा ने अपने प्राइवेट रूम में उसे किसी और वजह से बुलाया होगा, शायद किसी पॉलिटिकल वजह से जिसके बारे में वो बात कर सकें, लेकिन पेट्रा उससे यहाँ शेविंग के लिए कह रहा था। वांगजी को पेट्रा की ये बात बहुत क्यूट भी लगती है। वांगजी पेट्रा के हाथ से वो रेजर ले लेता है। पेट्रा पास में ही एक चेयर पर बैठ जाता है। शेविंग क्रीम लगाते वक्त वांगजी सिर्फ उसके फेस की तरफ ही देखता रहता है। अगर उसका हस्बैंड इतना हैंडसम नहीं होता तो शायद उसके लिए ये काम आसान होता, लेकिन वांगजी अपनी नज़र उससे हटा ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उसे याद आया कि उसके हस्बैंड ने उसे यहाँ एक टास्क के लिए बुलाया है और उसने वो शेविंग क्रीम लगाना शुरू कर दिया। रेजर बहुत शार्प था तो वांगजी ने बहुत स्लोली उसका इस्तेमाल किया। पेट्रियाक उसकी तरफ देख रहा था, वांगजी को ये पता था, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पेट्रियाक से नज़रें मिलाने की। पहली बार अपने हस्बैंड को इतने इंटीमेट तरीके से टच करते हुए उसे बहुत शाय फील हो रहा था। वांगजी सोच रहा था कि अगर पेट्रियाक उसे ऐसे ही देखता रहा तो कहीं वांगजी उससे पूछ ना बैठे, तुमने अब तक मुझे अपने बेड पर क्यों इनवाइट नहीं किया? क्या मैंने कुछ गलत किया है या मैंने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें पसंद नहीं आया? उसने फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और एक वेट टॉवल की मदद से पेट्रियाक के फेस को क्लीन करने लगा। उसने रेजर को नीचे रख दिया और एक कदम पीछे चला गया। पेट्रियाक ने उससे कहा, बस हो गया? तो वांगजी उससे कहता है, क्लाउड ड्रेसेस में ऐसे ही किया जाता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पेट्रा कहता है, नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पेट्रा उससे पूछता है, क्या तुम आसपास देखना नहीं चाहोगे? वांगजी कहता है, क्या तुम मुझे दिखाना चाहोगे? पेट्रा कहता है, शायद आज नहीं, मैं फिर कभी तुम्हें दिखाऊंगा। अब पेट्रा उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो?
हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं और मैंने अभी तक तुम्हें यहाँ इनवाइट नहीं किया, और अब मैं तुम्हें यहाँ आसपास कुछ दिखा भी नहीं रहा हूँ। अगर तुम मुझसे नाराज़ होगे तो मैं समझ सकता हूँ। वांगजी कहता है, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम्हें हक है अपनी प्राइवेसी रखने का। अब वांगजी उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? पेट्रा कहता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो जैसा मैंने तुम्हें सोचा था जब मैंने तुम्हें पहली बार मीटिंग में देखा था। वांगजी पूछता है, तुमने क्या सोचा था? पेट्रा कहता है, हस्बैंड क्या तुम सच में जानना चाहते हो? लेकिन शायद तुम्हें वो सुनना अच्छा नहीं लगेगा। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, जब मैंने पहली बार तुम्हें उस मीटिंग में देखा था तो मैंने भी तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचा था। मुझे लगा था कि तुम बहुत अननोइंग हो। पेट्रैक जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, ऐसा है क्या? लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, उस मीटिंग में मैं जानबूझकर अननोइंग होने का दिखावा कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि सारे सेक लीडर्स मुझ पर गुस्सा हों, मुझसे नाराज़ हों। वांगजी कहता है, क्यों? पेट्रैक कहता है, क्यों ना हम ऐसा करते हैं, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें देखकर मुझे कैसा फील हुआ था, फिर तुम मुझे बताना कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तुम्हारे ऊपर कैसा था। पेट्रैक अपने बेड पर लेटते हुए कहता है, वैसे तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन मुझ पर कैसा था। वांगजी मना कर देता है तो पेट्रैक उससे कहता है, सच में हस्बैंड तुम बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकते। सच में हस्बैंड, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था तुम दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो जिसे मैंने आज तक देखा है। पेट्रैक के मुँह से ऐसा सुनना वांगजी के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो सुनते ही वांगजी के ईयर्स रेड होने लगते हैं और वो अपना सिर नीचे झुका लेता है। तो पेट्रैक हंसते हुए उससे कहता है, क्या तुम सच में ब्लश कर रहे हो? तुम बहुत क्यूट हो। ऐसा कहकर पेट्रैक उसके ईयर्स को टच करता है। वांगजी और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। वो अपने बॉडी की सारी कल्टिवेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है जिससे वो अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सके। पेट्रैक और भी ज़्यादा हंसने लगता है और पेट्रैक उससे कहता है, मेरा सेकंड थॉट तुम्हें लेकर ये था, शायद ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम पूरे समय मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। तुम्हारी आंखों से ही लग रहा था कि तुम मुझे क्लाउड रेसेस में ले जाकर सजा दिलवाना चाहते हो। वांगजी सोचने लगता है, शायद वो बात सच थी, क्योंकि पेट्रैक का वो बिहेवियर उसे मीटिंग में पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसने थोड़े से समय में ही लैंड क्लैन के काफ़ी सारे रूल्स को तोड़ दिया था। पेट्रैक कहता है, मेरा थर्ड थॉट तुम्हें लेकर था, तुम जरूर एक साधु टाइप के इंसान रहे होंगे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा, और मैं सोच रहा था कि जरूर ये इंसान सोच रहा होगा कि मैं जो भी कुछ करता हूँ वो गलत है और मेरे कल्टीवेशन का तरीका भी पाप से भरा हुआ है। वांगजी सोचने लगता है कि ये बात भी पेट्रैक ने जो कही वो बिल्कुल सच थी, क्योंकि लैंड क्लैन में रिसेंटफुल एनर्जी का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत माना जाता था। ये कल्टीवेशन का एक बहुत गलत तरीका था। लेकिन अब जब वो पेट्रैक के साथ आकर रहने लगा था तो वो धीरे धीरे जान चुका था कि पेट्रैक बिल्कुल भी गलत इंसान नहीं था, बल्कि वो तो सबके साथ बहुत जेंटल था और सबकी मदद करता था। और वो यही सोच रहा था कि किस तरह वो अपने सेक्ट को विश्वास दिलाएगा कि पेट्रैक एक गलत इंसान नहीं है। तभी वांगजी उसके नीज पर हाथ रखते हुए कहता है, अब तुम्हारा टर्न है। वांगजी सडनली अपने थॉट्स को अरेंज करने में लग जाता है और वो उससे कहता है, मेरा फर्स्ट थॉट भी तुम्हें लेकर यही था कि तुम हैंडसम हो। पेट्रैक उससे कहता है, माय गॉड, सच में तुमने ऐसा सोचा था? वांगजी कहता है, हाँ। तो पेट्रैक उससे कहता है, हस्बैंड क्योंकि मैंने तुम्हारी तारीफ की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी मेरी तारीफ करने की जरूरत है। वांगजी उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, ये सच है, तुम सच में हैंडसम हो, लेकिन उसके बाद मुझे लगा था कि तुम बहुत रूड हो। तुम मीटिंग के बीच में ही ड्रिंक करने लगे थे, तुम इम्प्रॉपर तरीके से बैठे हुए थे, मुझे लगने लगा था कि तुम हम लोगों का मजाक बनाने आए हो, हमें चिढ़ाने आए हो, मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था, और फिर तुमने हमारी मदद के बदले में बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया। पेट्रैक कहता है, तुमने सोचा था कि मैं सबकी मदद फ्री में करूंगा, एक अच्छे और नोबल इमोर्टल की तरह। वांगजी अपना सिर हिला देता है और कहता है, लेकिन मुझे बाकी सेक लीडर्स पर भी गुस्सा आ रहा था, वो सब तुम्हारी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे थे जो बहुत ही गलत लग रहा था। पेट्रैक कहता है, हाँ मुझे याद आया, जब सेक लीडर्स मेरे पास प्रोस्टिट्यूट्स और मिस्ट्रेस भेजने के लिए कह रहे थे तुम्हें बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन मैंने उसके बदले अपने लिए एक हस्बैंड मांग लिया और मैंने तुम्हें पिक कर लिया,
उस बात को लेकर तुम्हारा क्या इम्प्रेशन था? वांग जी कहता है, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि तुमने अचानक मुझे क्यों चुना होगा। अगर तुम्हें कोई पावरफुल कल्टीवेटर या कोई स्किल्ड स्वॉर्डमैन चाहिए था तो मैं समझ सकता हूँ तुमने मुझे चुना, लेकिन वो बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि एक इमोर्टल शादी करना चाहता था। पेट्रिया कहता है, शायद तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मैं क्यों अपने लिए पार्टनर चाहता था। वांग जी सोचने लगता है, शायद अब उसका हस्बैंड उसे बताएगा कि उसने उसे क्यों चुना, उसने क्यों उससे शादी की और उसने अभी तक उसे क्यों टच नहीं किया है। पेट्रिया कहता है, मैंने तुम्हें अभी तक ये भी नहीं बताया ना कि मैं क्यों उन सेक्ट लीडर्स को गुस्सा दिलाना चाहता था। वांग जी सिर हिला देता है तो पेट्रिया उससे कहता है, लान वांग जी, क्या मैं तुम्हें ये बुला सकता हूँ? लेकिन ये काफ़ी फॉर्मल लगेगा, क्यों ना मैं तुम्हारे गिवन नेम से तुम्हें बुलाऊं? लेकिन मुझे माफ़ करना, हमारे वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट पर तुम्हारा नाम सिर्फ लान वांग जी लिखा हुआ था। क्या तुम प्लीज़ मुझे बता सकते हो तुम्हारा गिवन नेम क्या है? वांग जी उसे बताता है, लंजा। पेट्रिया कहता है, लंजा ये तो काफ़ी अच्छा नेम है, तो आज से मैं तुम्हें यही बुलाऊंगा। पेट्रिया उससे कहता है, लंजा एक्चुअली मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, उसे जानने के लिए मैं प्रोग्रेस में हूँ, बट मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। मैं प्रॉमिस करता हूँ जब मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूँगा तो जो भी क्वेश्चन तुम मुझसे पूछोगे मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। वांग जी उससे पूछता है, लेकिन अगर सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो पाया तो, अगर वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने सोचा है तो? पेट्रिया कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन होंगे जिनका तुम आंसर चाहोगे। अगेन वांग जी काफ़ी सैड दिखने लगता है तो पेट्रिया उसके नीस पर हाथ फिराते हुए कहता है, क्या तुम प्लीज़ कुछ समय और वेट कर सकते हो? वांग जी कहता है, हाँ। पेट्रिया कहता है, तुम सच में बहुत अच्छे हस्बैंड हो, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वांग जी कहता है, मैंने भी नहीं किया था। पेट्रिया हंसने लगता है और उससे कहता है, क्या तुमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक अच्छे हस्बैंड होगे? वांग जी कहता है, मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ। पेट्रिया कहता है, तुम सच में बहुत क्यूट हो, इसका मतलब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छे हस्बैंड्स हैं ना? वांग जी कहता है, हाँ। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आज का पार्ट आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना वांग्शन लवर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।